हेलो दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों को मैं सब्जी काटना सिखाऊंगा, कैसे मशीन बना के सब्जी काट सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं इस तरह से सब्जी इसमें आसानी से काट सकता हूँ। देखिए, ये आपको एक पत्ती ले लेनी है इस टाइप की, और ये मशीन लेना है, कटर लेना है। आपको इसके ऊपर रख के आप अपना साइज का काट लीजिए। इसको इस तरह से कटिंग कर लेता हूँ, इस तरह से आपको काट लेना है। इसमें 7-8 पीस आपको कर लेना है पूरा काट के। इसका आपको एक बराबर नाप के 7-8 पीस काट लेना है। देखिए, इस तरह से मैं 7-8 पीस काट लिया हूँ। देखिए, आपको इंची टेप से नाप के दिखा दे रहा हूँ। देखिए, लगभग 4.5 इंची से ज़्यादा है। देखिए, इस तरह से आपको, ये देखिए मेरे पास ये 8 पीस ले लिया हूँ। आपको इस तरह से लेके बराबर सा चारों कर लेना है। ये आपको एक ठो ले लेना है सॉफ्ट, इस तरह का जिसमें थ्रेड बना होगा। आपको छेद कर लेना है इस तरह से दोनों तरफ से सब में। इस तरह से करने के बाद आपको दो ठो इस तरह का काट के आपको रख लेना है। देखिए, इस तरह से थ्रेड बना हुआ, इसको आपको ले लेना है एक ठो। देखिए, इस तरह से लेने के बाद आपको दो ठो नट बोल्ट, आपको ये 4 लकड़ी ले लेनी है इस तरह से, ताकि इसमें आपका फिट हो सके। ये देखिए, इस तरह से आपको फिट करना है इसमें। ये आपको दो नट बोल्ट लेना है। इसके ऊपर से आपको इस तरह का पाइप गरम करके फिट कर देना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो पकड़ने में। देखिए, इस तरह से इसमें आप लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपको छोटा छोटा पीस कर लेना है स्प्रिंग का, ताकि इसमें आसानी से घुस सके। देखिए, इस तरह से लगा दीजिएगा। यह देखिए, इस तरह से मैंने इसमें टाइट कर दिया हूँ। टाइट करने के बाद देखिए, इस तरह से आपको इसमें टाइट करना है। दोनों में आप इस तरह से टाइट कर लीजिए और इसको आप लकड़ी में ठोक दीजिएगा। देख सकते हैं, मैं इसमें ठोक दे रहा हूँ। देखिए, ताकि ये मजबूत हो जाए थोड़ा सा। देखिए, इस तरह से ठोक दीजिए आप पूरा। ये आपका नट बोल्ट आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी साइज आप इसको कर सकते हैं इसकी मदद से। देखिए, मैं पत्ती लेता हूँ, पत्ती लेके इसमें लगा दूँगा। ये देखिए, इस तरह का एक पत्ती ले लिया हूँ, इसमें आसानी से चल गया है। ये देखिए, अब आप एक स्प्रिंग लेके इसमें लगाइए और फिर एक पत्ती लगाइए। इस तरह से आपको पूरा लगा देना है। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी ये वाली, घर पर आप बना सकते हैं आसानी से। देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको पूरा प्रोसेस को इधर फिट कर दिया हूँ। देखिए, इस तरह से मैं इसको लगा दिया हूँ और इसको आपको थोड़ा सा दबा देना है। दबा के इसमें लकड़ी को फिट कर देना है। देखिए, इस तरह से मैंने इसमें सब फिट कर दिया हूँ टोटल। देखिए, ये आपको टाइट थोड़ा हो गया। आप इससे भी हार्ड पत्ती ले सकते हैं, ताकि आपका दबे नहीं। देखिए, इस तरह से मैंने लकड़ी इसमें फिट कर दिया हूँ। इस तरह से आपको इसमें ठोक के फिट कर देना है। ये देखिए, इसमें फिट कर दिया हूँ इस तरह से। ये आपको इस तरह का एक पट्टी लेके इस तरह लगाना है आपको दोनों तरफ। ये देखिए, इसमें मैं लगा दिया हूँ। इस तरह से आपको इसको काटी मदद से, स्क्रू की मदद से आप टाइट कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैं एक सपोर्ट और दे दिया हूँ इस तरह से,
ये काफ़ी मजबूत हो जाए, आपको भी एक सपोर्ट दे देना है, थोड़ा मजबूत रहेगा। देखिए पूरा मजबूत हो गया, ये हिले उलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अब आप इसको आराम से इस तरह से बना सकते हैं। देखिए इस तरह का आपको छोटा छोटा दो पीस लकड़ी ले लेना है, एक तो इस तरह का बड़ा लकड़ी ले लेना है, ये इसके बराबर है ना, ये पूरा आपको इसके साइज का हो गया है। इस तरह से आपको लेके दोनों लकड़ियों को इस तरह से रख देना आपको इस तरह से, और इसको आपको स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने इसको फिक्स कर दिया हूँ, ये देखिए इस तरह से फिक्स कर दिया हूँ। ये आपको थोड़ा सा और अच्छा के लिए आप इसको और बढ़िया से बना सकते हैं। देखिए एक पटरा आपको इस तरह का ले लेना है, और इसमें एक तो कब्जा इस टाइप का लगा के नट बोल्ट से स्क्रू से टाइट कर देना है। देखिए इस तरह से मैंने इसमें टाइट कर दे रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से आप इसको लगा के टाइट कर दीजिए। देखिए इस तरह से मैंने इसको स्क्रू से टाइट कर दिया हूँ। देखिए नहीं, इस तरह से मैंने इसको टाइट कर दिया हूँ, पूरा फिक्स हो गया है। अब इस आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको थोड़ा अच्छा से घिस लीजिए, देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपको एक ठो आलू ले लेना है, इस तरह से आपको एडजस्ट करना है थोड़ा सा, जितना आपको साइज करना है। एक पटरा ले लीजिए, इसके ऊपर इसे रख दीजिए ताकि थोड़ा सा आसानी होगा आपको काटने में। देखिए इस तरह से लीजिए, एकदम ईजी आपको इस तरह से दबाना है, सब पीस पीस हो जाएगा। देखिए ये देखिए आपको एकदम आराम से इसमें कट चुका है। देखिए ये देखिए सब पीस पीस हो गया है। अब इसको आपको और छोटा करना है तो आप और छोटा भी कर सकते हैं, एकदम बारीक बारीक। देखिए इस तरह से आपको रखना है, जितना पीस रखना है रख के एकदम आसानी से इस तरह दबाइए, सब कट जाएगा आपका। देखिए ये आपका एकदम आसानी से पूरा पीस हो गया है। देखिए आप इस तरह से इसको बना सकते हैं घर पर। ये देखिए जितना आपको काटना है उतना काट के इस तरह से कर सकते हैं अलग अलग। आपको नट बोल्ट दो टो लगा दिया हूँ, उसमें आप और पतला छोटा कर सकते हैं ताकि आप कोई भी सब्जी इसमें काट सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको घर पे इसको बना सकते हैं आसानी से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।